डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन अंबाजरी परिसर बचाव कृति समिति द्वारा शहीद नामांतर स्मारक 10 नंबर पुलिया पर अंबाजरी स्थित भूमि हड़पने की मानसिकता के साथ साथ उसी स्थल पर एक भव्य स्मारक के निर्माण और उसके बचाव के साथ ही उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग के लिए कई दिनों से हो रहा आंदोलन अभी तक जारी है। मेरा नाम बाड़ू घरडे और मैं डॉक्टर अंबेडकर सांस्कृतिक भवन बचाव कृति समिति का संयोजक हूँ। यह आंदोलन जो आप देख रहे हैं, यह आंदोलन पिछले 2 साल से नागपुर में चल रहा है। इसकी वजह यह है कि नागपुर के अंबाझरी के पास जो महानगर पालिका ने 1976 के आसपास दरमियान एक सांस्कृतिक भवन बनाया था और उस वो भवन को भारत रत्न संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जी के स्मृति में बनाया गया था। उस भवन को अंबाझरी के आजू बाजू रहने वाले बिल्डरों ने उस भवन को तोड़े हैं और भवन को तोड़कर वो भवन की जमीन MTDC के माध्यम से अपने हाथ में लिए है और वो वहाँ पे पैसा कमाने के लिए बहुत बड़ा एक मूवमेंट खड़ा करने वाले हैं। इसी विरोध में यह आंदोलन पिछले 4 महीने से चालू है नागपुर में और अंबेडकर अंबाझरी के बाजू में अभी 2 महीना हो रहा है जहां महिलाओं का धरना आंदोलन चालू है बड़े पैमाने। सरकार सुन नहीं रही है, सरकार यह आंदोलन की तरफ पूरे तरीके से नज़रअंदाज कर रही है। सरकार जो दोषी लोग हैं उनको बचा रही है, उनको संरक्षण दे रही है और बिल्डरों को सपोर्ट कर रही है। सरकार जो GR निकला था उसको वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। हमारी डिमांड यही है कि वह जमीन सरकार ने वापस लेना चाहिए, उस जमीन पे सरकार ने स्मारक बनाना चाहिए और जो जिन्होंने स्मारक को तोड़ा है उनको शिक्षा मिलनी चाहिए, यही हमारी डिमांड थी। लेकिन सरकार सुन नहीं रही है, आंदोलन चालू है। इसके विरोध में सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐतिहासिक इंदौरा के नामांतर शहीद स्मारक के पास धरना आंदोलन चालू है और आने वाले 18 तारीख को यहाँ से भव्य मशाल मोर्चा निकलने वाला है। यह मोर्चा संविधान चौक तक जाएगा, वहाँ सभा में परिवर्तित होगा। इस माध्यम से हम पूरे अंबेडकरी और प्रबुद्ध जनता का आह्वान करते हैं कि इस मोर्चे पे लाखों की तादाद में सहभागी होकर अंबेडकरी जनता पे होने वाले अत्याचार के विरोध में आवाज़ बुलंद करें, यही अपेक्षा करते हैं, जनता से आग्रह करते हैं कि इस मोर्चे में सहभागी हो। जय भीम, जय भारत।